हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 9। इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। जो क्या है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा, पीतांबरधारुण बिंबफलाधरोष्ठा, उर्वेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्र अहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे, वेदे साङ्गपक्रमोपनिषदि गायन्ति यं ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणम् देवायत मे नमः। मूकं कुरुतु वाचालं, पङ्गुं लङ्घयति किरं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवति उत्तमश्च
कृष्णों की भक्तिर भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं वाञ्छाकल्पस्वरूपस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 9। कृपया इन परम पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूची आज भगवान के चतुर्थ अवतार के विषय में बता रहे हैं। वे कहते हैं तुरी धर्म कला सर के नर नारायण ऋषि भूताप्तमोपशमोपेतम् अकरोत् दुश्शरं तपः। तुरी धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूताप्तमोपशमोपेतम् अकरोत् दुश्चरं तपः। तुरी धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूताप्तमोपशमोपेतम् अकरोत् दुश्चरं तपः। तुरी धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूतात्मोपशमोपेतम् अकरोत् दुश्चरं तपः। तुरी धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूत्वात्मोपशमोपेतम् अकरोत् दुश्चरं तपः। तुरी धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूत्वात्मोपशमोपेतम् अकरोत् दुश्चरं तपः। तुरी धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूत्वात्मोपशमोपेतम् अकरोत् दुश्चरं तपः। तुरी धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूत्वात्मोपशमोपेतम् अकरोत् दुश्चरं तपः। शब्दों का अर्थ देखिए। तुरी अर्थात चौथी बार,
धर्मकला सर्गी यानी धर्मराज की पत्नी से सर्गिनी उत्पन्न हुए। कौन? नर नारायण ऋषि। नर यानी नर और नारायण मतलब भगवान, यानी भगवान और उनकी शक्ति दोनों साथ में। ऋषि के रूप में भूत्वा यानी होकर आत्मपशम इंद्रिय निग्रह द्वारा। अब वो क्या सिखा रहे हैं? इंद्रिय निग्रह। ओपेतम यानी प्राप्ति के लिए अकरोत किया। क्या किया? दुष्चरम अत्यंत ही कठिन तपस्या। अनुवाद सत्तात्तर्य कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तपस्या का आदर्श तपस्या की, कठिन तथा आदर्श तपस्या की। तात्पर्य श्री लघुपाद शुभपाद की इच्छा है। शुभपाद जी बता रहे हैं कि राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया कि भगवान का साक्षात्कार करने के लिए तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है, एकमात्र धर्म तपस्या। अतएव हमें शिक्षा देने के लिए ही भगवान ने आदर्श प्रस्तुत करते हुए स्वयं ऐसा किया। भगवान भुलक्कड़ जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतः वे स्वयं अवतीर्ण होते हैं और अपने पीछे आवश्यक आदेश छोड़ जाते हैं। वे बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस बुलाने के लिए अपने उत्तम पुत्रों को प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। हाल ही में अभी सबों की स्मृति में ही भगवान चैतन्य भी ऐसे ही कार्य के लिए इस लोह उद्योग के युग में पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए प्रकट हुए थे। नारायण अवतार की पूजा आज भी हिमालय पर्वत में स्थित बद्री नारायण की जाती है। शुरुआत की जय। आज सूत को स्वामी मैंने शारीरियों में ऋषियों को भगवान के सतत अवतार यानी नर नारायण ऋषि के विषय में बता रहे हैं कि वे इस संसार में क्यों आए हैं। उनके आने असल में नर नारायण कौन थे? ये नर भगवान की शक्ति और नारायण। भगवान जब भी आते हैं तो उनके आने के अनेक अनेक कारण होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी जब हम ये तो संक्षिप्त में एक श्लोक में बताया है सुत्ता गोस्वामी ने, फिर इनके विषय में जब डिटेल पढ़ेंगे तो फिर हमें इनके आने के अन्य कारण भी पता चलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य है ना, सिर्फ वही बात कही गई है। और यहाँ पर मुख्यतः क्या कहा गया? अकरो दुष्चरम तप, कि उनके आने का मेन कारण क्या था? कि वो भगवान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? आकर दुष्चरम तप, बहुत ही कठिन तथा आदर्श तपस्या की। तो भगवान इस संसार में आकर तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? वो भगवान है, उनको तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि भगवान जीव को ये दिखाना चाहते हैं कि यदि तुम आत्म साक्षात्कार करना चाहते हो, यदि तुम अपने रियल स्वरूप को वापस प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए आवश्यक है तो कि तुम तपस्या करो। जैसे भगवान हर तरीके से जीव को, यही भगवान के आने का चाहे कोई भी कारण हो, लेकिन भगवान के हृदय में एक ही अभिलाषा होती है कि ये जो जीव इस संसार में भटक रहा है, दुख भोग रहा है, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ है, इस संसार में
बहुत बहुत, क्योंकि इस संसार का नाम ही है दुख, दुखमय संसार, दुख खाने अशाश्वत। तो जिस प्रकार कोई माता पिता कभी भी नहीं चाहते कि हमारा पुत्र जो है वो दुखमय संसार में, दुखमय जगह में जाए, इसी जगह पे उसको जाना पड़े जहाँ पर दुख हो। पुत्र जो है वो भले कितना ही उदंड हो, कितना ही बात नहीं मानता हो, या फिर कैसा भी हो, आज्ञाकारी नहीं हो, लेकिन माता पिता की कभी भी इच्छा नहीं होती है कि उनका पुत्र दुख हो। उसी तरह भगवान जो है वो हम सबके पिता है। भगवान कभी भी नहीं चाहते हैं कि जी इस संसार में दुख होगे, क्योंकि इस संसार में जब तक वो रहेगा तब तक वो दुखी रहेगा। इस संसार में सुख प्राप्ति की कोई आशा नहीं है। जो ये सोचते हैं, जैसे हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे दुख का कारण क्या है, कोई ये सोचता है कि मेरी पत्नी नहीं है, मतलब अच्छी पत्नी नहीं है इसलिए दुखी हूँ, कोई सोचता है अच्छी संतान नहीं है इसलिए दुखी हूँ, कोई सोचता है कि मेरे पास धन नहीं है इसलिए दुखी हूँ। तो वही चीज प्राप्त करने के लिए जी परिश्रम करता है कि मैं धन मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, संतान मिल जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, घर मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, गाड़ी मिल जाएगी तो सुखी होगा। ऐसे जीव सोच रहा होता है कि शायद इस संसार में या मतलब कोई पर्टिकुलर चीज जो उसके पास नहीं होती है उसकी प्राप्ति के बाद मुझे सुख प्राप्त होगा। लेकिन शास्त्र कहता है इस संसार में सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये संसार भगवान ने दिया है दुख देने के लिए। तो इस संसार में जब भी जीव आता है तो जीव को बारम्बार यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर बात लिखी है, जैसे तात्पर्य में श्री प्रभुपाद ने बताया है कि भगवान भुलक्कड़ जीव पर अत्यंत दयालु रहते हैं। भगवान कृपा करते हैं कि ये न कहना प्रकार है मेरा बच्चा इस दुखोभरी जंजाल में जो जिंदगी है, जो ये जन्म मरण का जो चक्कर है, इस संसार में आकर उसे जो दुख भोगना पड़ रहा है वो भूल गया है कि सुख मेरे धाम में है, सुख केवल भगवान की प्राप्ति में है। तो भुलक्कड़ जीव पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतः वे स्वयं अवतरित होते हैं और अपने पीछे आवश्यक आदेश छोड़ जाते हैं। तो कोई न कोई अवतार लेते रहते भगवान सदैव, और फिर एक आदेश छोड़ जाते हैं कि तुम यदि इसका पालन करोगे तो तुम वास्तविक सुख को प्राप्त करोगे। तो यही कारण था नर नारायण के अवतार लेने का, क्योंकि इसमें भगवान ये बता रहे हैं कि आप मनुष्य का जीवन तपस्या करने के लिए हुआ है। तपस्या का सीधा अर्थ अगर ले तो तप का मतलब होता है तपना, चलना, है ना। तपस्या मतलब कठोर श्रम करना। तो देखा जाए तो जीव तो सदैव तपस्या कर ही रहा है ना, हर कोई अपने अपने अनुसार अपने अपने स्टेज के अनुसार तपस्या कर रहा है। बच्चे तपस्या करते सुबह सवेरे उठते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, सारा दिन ट्यूशन जाते हैं, पिताजी सारा दिन ना शॉप पर जाता है तपस्या करता है ना इतनी देर तक, कोई कोई तो अब तो ना पार्ट टाइम जॉब करते हैं, नाइट ड्यूटीज करते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अर्न करें और अपने गृहस्थ को चलाएं, है ना। ये भी तो तपस्या ही है, घर में भी हम लोग सारा दिन काम करते रहते हैं, कुछ न कुछ तपस्या ही है। लेकिन ये कौन सी तपस्या है जिसके विषय में भगवान कहते हैं, जिसको बताने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। तो उसके लिए श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था कि भगवत साक्षात्कार करने के लिए तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है। ये वो साधारण तपस्या नहीं है जो हम करते हैं, उसके विषय में बात नहीं की जा रही है। ये भगवत साक्षात्कार करने के लिए जो ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को बताई थी, वह तपस्या करने के लिए यहाँ पर उसी को सिखाने के लिए भगवान प्रैक्टिकल करके दिखाया कि क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या करना आवश्यक है और वो कैसा तप होना चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो क्या कहते हैं, ईशान विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्म, ते मृत्यु लोके भूमि भार होते। जो धर्म का पालन नहीं करते, जो गुरु नहीं करते, जो तपस्या नहीं करते, वे
ये क्या है? ते मृत्यु लोग की दुर्व्यवहार होता है। जिनके जीवन में धर्म नहीं है, तपस्या नहीं है, वे तो इस मृत्यु लोक संसार में भार है, धरती का भार है। वे जो भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं करते, और ये तपस्या, भगवत प्राप्ति की तपस्या केवल मनुष्य जन्म में ही संभव है। केवल निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये जो निर्देह है, जो मनुष्य जीवन है, उसके अंदर ही संभव है कि आप ये तपस्या करो और भगवत प्राप्ति कर लो। बाकी योनियों में ये सुलभ नहीं है, कठिन है, तपस्या नहीं कर सकता जी। और इसमें क्या करना है, कैसी तपस्या करना है, तो ऋषभदेव अपने पुत्रों को बताते हैं। ये तपो दिव्यम पुत्र कालीन, आपको क्या करना है, दिव्य तपस्या करनी है। दिव्य तपस्या करके भगवत प्राप्ति के लिए आपको अग्रसर होना है, आत्म साक्षात करना है। भक्तों, जब हम तपस्या का नाम लेते हैं, तो अगर ऐसा कहा जाए भाई तपस्या के बगैर आपको कृष्ण कभी प्राप्त नहीं होंगे, तो हम तपस्या कैसा लगता है कि जंगल में जाना होगा और ऐसे सीधा बैठना होगा और निराहार होकर बैठना होगा, ऐसे करना होगा, इतने दिन तक तपस्या करना, ऐसा जहन में आता है ना। लेकिन हमारे आचार्य था, ये जानते हैं कि मनुष्य, ये जो कलह युग है, उसमें बहुत कठिन है, ऐसा करना संभव नहीं है। तो इसलिए अब ऐसा करना संभव नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मनुष्य जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर देंगे। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर अपने तात्पर्य में बताया था कि वे बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस बुलाने के लिए अपने उत्तम पुत्रों को प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं या स्वयं आते हैं। तो बताते हैं कि कैसे करना है तपस्या, और श्रीला प्रभुपाद ने अत्यंत ही सुंदर बताया कि हाल ही में अभी सबों की स्मृति में, ये अभी तो हुआ है ऐसा 500 साल पहले, अगर मॉडर्न एजुकेशन की बुक्स में भी देखें तो चैतन्य महाप्रभु का आता है कि चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो ये तो इतना करीब करीब है, हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु 500 साल, हम हो सकता है हम इतने अभागे हैं कि हमने उनके दर्शन नहीं किए, लेकिन ये कितना करीब है कि उनका प्रभाव अब तक है। और चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे ही कार्य के लिए इस लोह उद्योग युग में पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए प्रकट हुए। यानी कि महाप्रभु ने जो शिक्षा दी है वही हमारे लिए तपस्या है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी तपस्या, सबसे कठिन तपस्या क्या है जानते हो? प्रभात साधना। सबसे बड़ी तपस्या है कि हम प्रभात साधना करते हैं, सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 3 से 5, 5:30 बजे तक, बस फिर सूर्य उदय के बाद में, सूर्य उदय के बाद जो है ना, उससे पहले उठना है। और उससे पहले उठकर सबसे पहला कार्य क्या करना है? ऐसा नहीं है कि आप व्हाट्सएप पे एक सेंड करके भी वापस से सो जाओ, मेरा काम हो गया, ऐसे इसलिए नहीं उठना है। ऐसे भी कुछ लोग करते हैं। सबसे पहले उठकर आपको भागवत स्मरण करना है, यानी कि सबसे पहले स्नान करके आपको सबसे पहले मंगल आरती करनी है। मंगल आरती यदि संभव हो तो मंदिर में या फिर घर में भगवान की सेवा करनी है, और उसके बाद अपना नियमित जप पूरा करना है। ये 4 से लेकर 8 बजे तक का कार्यक्रम, क्योंकि ये समय में कुछ लोग बोलते हैं ना भाई हमें समय नहीं मिलता भक्ति करने का, लेकिन ये समय स्पेशल भक्ति के लिए, इस समय किसी को कोई काम नहीं होता है ना, कोई भी जीव को कोई काम नहीं होता है। सब लोग है ना, आजकल अगर देखा जाए तो मॉर्निंग 8 बजे ही है ना हमारी लाइफ स्टार्ट होती है। ज्यादा जिनका बहुत अर्ली स्टार्ट होता है वो भी 8 बजे स्टार्ट करना शुरू करते हैं। बच्चे स्कूल जाते तो भी बीच में बच्चों को माताएं भेजकर है ना अपनी तपस्या कर सकते हैं। अगर यदि 4 से 6 बजे तक तो बिल्कुल फ्री है ना, फिर तो आप कर सकते हो ये, लेकिन फिर भी 5 बजे से लेकर 6 बजे तक भी कर सकते हैं ना। 5 से 6 बजे भी हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है, क्योंकि अगर 6 बजे बच्चों को उठाना है तो भी। यानी कि हमें देखना ये है कि वो समय हम भगवान को दें जो कि बिल्कुल हमने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए रखा है, सिर्फ और सिर्फ उसमें इंद्रिय तृप्ति। तो सोना सबसे बड़ी इंद्रिय तृप्ति है, और भगवान की सुख खुशी के लिए जागना सबसे बड़ी तपस्या है। आज के युग में सबसे बड़ी तपस्या है कि हम
प्रभात साधना करते हैं, सुबह सवेरे उठकर अपना जप करते हैं, उसके बाद अपना नियमित जप कंप्लीट करने के बाद जो है वो शास्त्र का अध्ययन, ये बहुत बड़ी तपस्या है। शास्त्र को पढ़ना बहुत कठिन है, लेकिन शास्त्र को पढ़ना और सुनना एक ही जैसा है। कि अगर आप शास्त्र पढ़ना किसी को समझने ऐसे मतलब हार्ड लगता है, तो अगर हम श्रवण करते हैं कथा का तो वो ऐसी ही तपस्या है, उसका सेम है। तो फिर हमें शास्त्र को सुनने के लिए, अभी देखो साधारण लोग को ये दो बातें बोलो तो उनके लिए इम्पॉसिबल बन जाता है। सुबह उठूं मैं 5 बजे, मैं उठ ही नहीं सकता, मेरी 8 बजे से पहले आँख नहीं खुलती। तो ये सबसे बड़ी तपस्या है जो भक्त लोग करते हैं। और किसी को बोलो कि आपको आधा घंटा या 50 मिनट या 57 मिनट तक रोजाना भागवतम श्रवण करना है, तो उनके लिए तो ये वज्र का प्रहार हो जाएगा कि इतना बड़ा हमारे साथ अत्याचार होगा कि हम 1 घंटे तक एक व्यक्ति को सुनते रहेंगे और सुनते रहेंगे और सुनते रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी तपस्या। इसके अतिरिक्त एकादशी का उपवास रखना, ये कितनी बड़ी तपस्या है कि हर 11 दिन के बाद एक दिन हम 11 दिन में अनाज का त्याग करते हैं। अनाज से बहुत ज्यादा प्रेम होता है आज के मनुष्य इस कलयुग में, क्योंकि अनाज से प्रेम होता है तो उसको त्याग करते हैं। किस लिए कर रहे हैं ये सब? इससे देखो कहीं पर भी आत्म तृप्ति नहीं है, यानी कि इंद्रिय तृप्ति कहीं पर भी नहीं है, केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए। सुबह सवेरे उठकर क्या इंद्रिय तृप्ति करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। और है ना, जप करके क्या इंद्रिय तृप्ति करेंगे, श्रवण करके क्या इंद्रिय तृप्ति करेंगे, केवल और केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको कहा जाता है तपस्या। ये है तपस्या। बाकी जो हम करते हैं ये तो स्पेशल तपस्या, बाकी जो हम करते हैं ना वो अगर देखा जाए तो मिश्रित है ना। अगर हम भगवान के लिए, हम सोच रहे हैं भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इच्छा भी है कि सब लोग भी तो खाएंगे ना, तो उसी लिए हम ना उनके पसंद के अनुसार भी बनाते। तो उसमें भले ये भावना अच्छी है कि मैं कृष्ण के लिए बना रही हूँ, कृष्ण को प्रसाद अर्पण करके, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इंद्रिय तृप्ति का लेश मात्र सम्मिलित होता है। उसके अलावा भी जो दूसरी क्रियाएं हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें होता है कि हम मतलब ये जो तपस्या है मॉर्निंग में हम जो उठ के करते हैं वो केवल और केवल कृष्ण के लिए है। तो ये सबसे बड़ी कठिन तपस्या है आज के युग के लिए, भगवान की कथाओं का श्रवण करना, प्रभात साधना करना और भगवान के पवित्र नाम का जप करना, कीर्तन करना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। और विष्णु तत्व है जिनकी, जैसे जन्माष्टमी, राधाष्टमी और रामनवमी, नरसिंह चतुर्थी और एकादशी का उपवास करना, यही तपस्या हमारे लिए निश्चित मतलब हमारे लिए प्रिस्क्राइब की गई हो आचार्यों के द्वारा, शिवपाल जी के द्वारा। तो हमें इन्हीं का पालन करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, और इन्हीं को पालन करते हुए हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात तो फिर भी मैं आपको बता दूं कि तपस्या कैसी होनी चाहिए। तपस्या ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी स्थिति में वो खंडन ना हो। हमारी तपस्या ऐसी है कि कैसे खंडित हो जाती है कि हम इतने अभी हम जप कर रहे होते हैं और एक आवाज आई या फिर कुछ भी ऐसा आया कि हमारी तपस्या पूर्ण खंडित, पूरा ध्यान जो है ना उससे चला जाता है। हम कुछ है ना, जैसे प्रभात समय उठना है, तपस्या नहीं है, लेकिन खंडित कैसे होती है? एक दिन थोड़े देर से तो दूसरे दिन नहीं उठेंगे, ये खंडित हो जाती है। लेकिन ये नरनारायण ऋषि जो आए हैं वो ऐसी तपस्या करके दिखाई उन्होंने, यहाँ पर लिखा देखो शब्द लिखा है ना, दुष्चरम तपा, दुष्चरम और श्रीमद्भगवान ने अनुवाद में किया कि इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तपस्या, कठिन तथा आदर्श तपस्या, ये बहुत कठिन तपस्या उन्होंने पालन की। कठिन का मतलब ये है कि वो कभी खंडित न हो। अच्छा मैं आपको बताऊं कि कैसी तपस्या की थी उन्होंने। वो जब तपस्या कर रहे थे तो जब भी कोई जीव तपस्या करता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होती जानते हो? इंद्र को होती है, और इंद्र अपनी सेना लेकर आ जाता है। क्या उनकी सेना जानते हो? कामदेव और स्वर्ग की अप्सराएं। स्वर्ग की अप्सराएं उनको श्रभुपा जी कहते हैं हेवनली प्रोस्टिट्यूट, स्वर्ग की वेश्याएं उनको लेकर आ जाते हैं। और जीव की तपस्या बहुत आसानी से भंग की जाती है स्त्री की कारण, मतलब स्त्री का अगर उसे प्रलोभन दिया जाता है
सुंदर स्त्री का, तो वो आसानी से खंडित हो जाती। काम जो है उसको जीव वश में नहीं कर सकता, साधारण जीव जो होता है वो काम को वश में नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्र कहता है स्त्री जो है वो भगवत प्राप्ति में आपके लिए सबसे बड़ी रुकावट है। वर्णाश्रम धर्म में जैसा कि हम जानते हैं कि चार विभाग है, कौन कौन से, ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्त और सन्यासी। इनमें से तीन आश्रम जो ऐसे हैं जिसमें स्त्री का निषेध किया गया, स्त्री के साथ बिल्कुल संग नहीं। कौन कौन से, ब्रह्मचर्य यानी एक साल से मतलब शुरू से लेकर 25 साल तक आपको स्त्री से बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं है, यानी कि आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, अध्ययन करना है शास्त्रों का, गुरुकुल में जाना है या फिर स्टडी करनी है, लेकिन स्त्री से कोई संबंध नहीं। ब्रह्मचर्य का मतलब यही होता है, ठीक है। उसके बाद जब ग्रंथ को साइड में रखो और फिर वानप्रस्थ आता है, कहाँ से लेकर 50 से लेकर 75 तक, उसमें स्त्री संग नहीं है ना। और उसके बाद सन्यास जीवन आता है, उसमें स्त्री संग नहीं। यानी कि यह वर्णाश्रम पद्धति हमें बताती है कि स्त्री संग जो है वो हमारी आत्म साक्षात्कार में बाधा है, सबसे बड़ी बाधा है। तो सिर्फ वर्णाश्रम धर्म में सिर्फ 20 का जो ये 25 से 50 वर्ष जो युवावस्था है ना, इस यौवन में क्योंकि जीव कोई ऐसा होता है कि अपराध का भय होता है कि अपराध हो सकता है, इसलिए उसको यह अनुमति दी जाती है कि आप विवाह करके स्त्री के साथ संबंध स्थापित करके धर्म के विस्तार के लिए। उसमें भी यही होना है कि हम जो ये कार्य कर रहे हैं इसमें क्या है कि कर्म करना है। तपस्या का क्या मतलब होता है आप, इसका मतलब ये नहीं है कि जीव जो सोचे कि भाई हम अब तपस्या कर रहे हैं तो सब कुछ छोड़ दें, हम अपना कार्य करना छोड़ दें, गृहस्थ जीवन का पालन करना छोड़ दें। नहीं, गृहस्थ जीवन का पालन भी करते हुए हमें तपस्या ही करनी है कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो केवल केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। मैं गृहस्थ जीवन का पालन अपने गृहस्थ का पालन कर रहा हूँ क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में साफ साफ बोलते हैं कि नियतम कुरु कर्म, तो आपको अपने नियत कर्म अवश्य 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 पूरे करने, लेकिन इस कर्तव्य को पूर्ण करते हुए अंदर में आपको क्या रखना है कि मैं केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं कमा रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मैं अपने गृहस्थ, अपने जो बेबी बच्चे हैं उनको ऐसी सुविधा प्रदान कर सकूं कि वो आसानी से भगवान की भक्ति कर सके। मैं बच्चों को शिक्षित कर रहा हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ कि वो आसानी से इस बात को समझ सके कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। यदि आप नहीं बता सकते हो, यदि आप अपने बच्चों को या अपने आश्रित को कोई कृष्ण प्राप्ति के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है, तो फिर शास्त्र उसके लिए जानते हो क्या कहते हैं, गुरु न सस्यात पिता न सस्यात जननी न सस्यात। वो पिता पिता कहलाने के योग्य नहीं है, वो माता माता कहलाने के योग्य नहीं है, वो गुरु गुरु कहलाने के योग्य नहीं है जो अपने आश्रित को भगवत प्राप्ति, भगवत आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरित न करे। तो यानी कि हमें अपने गृहस्थ जीवन को या अपने जो भी जीवन में हम हैं, जो भी हम हमारे आश्रित हैं, उन्हें हमें ये सिखाना है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्राप्ति है। तो अभी आप जो कर रहे हो उसके लिए भी उसको भी साधन बनाना है। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो साधन बनाना है कृष्ण प्राप्ति के, अगर आप प्रसाद बना रहे हो तो साधन बनाना है कृष्ण, अगर आप घर चला रहे हो तो साधन बनाना है, अगर आप धन कमा रहे हो तो धन को साधन बनाना है कृष्ण प्राप्ति के लिए। और जीव के लिए यहाँ पर कहते हैं, शास्त्र कहता है कि अगर कोई रुकावट है कृष्ण साक्षात्कार करने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, तो दो चीजें हैं, दो शक्तियां। जीव सुबह से लेकर रात तक को कार्य कर रहा है ना, तो उसके पीछे दो शक्तियां काम कर रही हैं, एक तो धन और दूसरा स्त्री। हाँ, जीव कार्य, अभी देखो अगर कोई है ना यंग हो जाता है और कमाना शुरू करता है, बोले शादी करूंगा तो फिर मुझे चाहिए होगा, यानी कि अभी मुझे नीड नहीं है लेकिन आफ्टर मैरिज मेरी पत्नी आएगी तो उतनी सारी इच्छाएं करेगी तो मुझे उसके पालने के लिए चाहिए होगा, और शादी के बाद भी कमा रहा है भाई बीवी बच्चों को पालना है ना, तो ये अगर कमा रहा है जीव धन के लिए भी पीछे पड़ रहा है, तो पीछे उसके पीछे भी एक ही कारण है स्त्री। तो यहाँ पर ऋषभ देव ये बता रहे, उन्होंने क्या किया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, उन्होंने यह दृढ़ तपस्या की है कि कैसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए हम भगवत साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं।
ये नर और नारायण दक्ष की एक पुत्री थी, उनका नाम था मूर्ति। उस मूर्ति का विवाह हुआ धारण के साथ और उनकी दो ट्विंस जुड़वा बेटे पैदा हुए, उनका नाम हुआ नर और नारायण। और आपको पता है यही नर और नारायण द्वापर में फिर से आए थे कृष्ण और अर्जुन के रूप में। तो जब ये तपस्या कर रहे थे तो इंद्र को ऐसा लगा कि कहीं ये मेरा पथ, ये मेरी फीट छीनने के लिए तो तपस्या नहीं कर रहे हैं। तो इंद्र आगे अपनी सेना लेकर, कामदेव को लेकर और बहुत सारी अप्सराओं को लेकर उनकी तपस्या को भंग करने के लिए बहुत प्रयत्न किया। कामदेव ने बहुत सारे बाण छोड़े परंतु उनकी तपस्या भंग नहीं हुई। जानते हो क्यों? क्योंकि वो कौन थे? साक्षात भगवान। और भगवान के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, कि करोड़ों करोड़ों कामदेव भी यदि उनके समक्ष आ जाएं तो वो भी लज्जित हो जाते हैं, उनसे उनको भी मोहित करना। अभी ये तो एक कामदेव को लेकर आए थे, अगर ऐसे करोड़ कामदेव भी मिलकर भगवान के ऊपर अपने बाण छोड़े तो भी भगवान जो है वो कभी भी अपनी तपस्या से नहीं हिलते। अरे कभी कामदेव ने सोचा कि ये कृष्ण जो है ना वो ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे बाण से बच जाए? तो बहुत बहुत उन्होंने ना कोशिश की। कामदेव ने बहुत सारी जगहों पे जब कृष्ण आए थे तभी भी कोशिश की कि मैं किसी तरह से उनकी तपस्या को भंग करूं। उसको हम जब कृष्ण लीला पढ़ेंगे तो सुनेंगे शीर हरण के समय या रासलीला के समय किस तरह से कामदेव ने ये प्रयत्न किया कि कृष्ण की तपस्या, कृष्ण के ब्रह्मचर्य को खंडित करूं। लेकिन ऐसा शिवरूपा जी बहुत ही सुंदर एक उदाहरण देते हैं कि जो हलवाई होता है ना वो कभी भी मिठाई की ओर आकर्षित नहीं होता। मतलब उसने इतना मिठाई को देखा होता है, इतना उसके पास होता है मीठा कि अब इसका उसकी ओर आकर्षित नहीं होता। जैसे हम लोग कभी रसगुल्ले का नाम सुनते हैं तो कैसे मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन वो हलवाई होता है जो मिष्ठान ही उसके पास सारा दिन होते हैं, इतने सारे बनाता रहता है, सेल करता है, उसके पास भर भर के होते हैं। तो क्षमा कीजिएगा बीच में डिस्कंटिन्यू हो गया, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। प्रथम स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 9 में हम ये पढ़ रहे थे कि जब कामदेव भगवान की तपस्या को भंग करने के लिए आया तो क्योंकि भगवान के पास सुंदरता की कोई कमी नहीं है। भगवान क्या है? भगवान का मतलब होता है ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यशस्य, जिनके पास संपूर्ण सुंदरता है। तो जिसके पास संपूर्ण सुंदरता है वो भला थोड़ी सी अप्सराओं को देख कर क्या मोहित होगा? संभव ही नहीं है ऐसा। तो सारी बहुत सारी अप्सराओं ने बहुत बहुत प्रयत्न किया, बहुत बहुत प्रयत्न किया लेकिन भगवान की तपस्या को भंग नहीं कर सकी। तो फिर भगवान ने पता है क्या किया? अपने अंदर से उनसे भी अधिक सुंदर तपस्या, उनसे भी अधिक सुंदर अप्सराओं को प्रकट किया, क्योंकि संपूर्ण सुंदरता भगवान के अंदर है। इसी को दिखाने के लिए भगवान ने ये कार्य किया, अपने अंदर से बहुत सारी अप्सराओं को प्रकट किया। और जब बहुत सारी अप्सराएं प्रकट होकर उन अप्सराओं के साथ नृत्य करने लगी तो कामदेव और उनके साथ जो भी आए थे ना, उनको उनकी तपस्या को भंग करने के लिए जितने भी इंद्र इंद्र सब आए थे, तो भगवान की उत्पन्न की हुई अप्सराओं पर मोहित हो गए। उनकी अप्सराओं को देखकर उनके हृदय में काम जागृत हो गया। कामदेव भी भगवान की उत्पन्न की हुई अप्सराओं के ऊपर मोहित हो गए। फिर जब इतना उनकी ओर आसक्त हो रहे थे तो भगवान ने उनको कहा कि इतनी सारी अप्सराएं मैंने प्रकट की है ना, उनमें से कोई एक चुन लो, आप उसको ले जाओ अपने स्वर्ग की शोभा बढ़ाने के लिए। तुम्हारे स्वर्ग में रहेगी, तुम्हारी स्वर्ग की अप्सराओं में अब दम नहीं रहा। ये किसी की है ना तपस्या को भी भंग नहीं कर सकती है, तो ऐसा कहो मेरी अप्सराओं में से एक को चुनो। फिर इतना लज्जित हो गए थे कामदेव, इंद्रदेव सब लज्जित हो गए कि हम साक्षात भगवान की तपस्या को भंग करने के लिए आए। फिर भी भगवान ने जब उन्हें ये ऑफर की तो फिर उनसे रहा ना गया, क्योंकि इतनी सुंदर स्त्रियां थी। तो फिर उन सब ने मिलकर उनमें से एक अप्सरा को चुना। जानते कौन सी? उसका नाम है
उर्वशी, उर्वशी अप्सरा को उन्होंने चुना कि अब ये अप्सरा, आप जानते हो जो ये उर्वशी अप्सरा जो स्वर्ग में है वो भगवान ऋषभ देव की प्रकट की हुई है। तो ये बहुत सुंदर है, स्वर्ग में सबसे ज्यादा सुंदर अप्सरा है ये, और ये भगवान ने उनको भेंट की थी। और यहाँ पर ये समझना चाहिए कि जिस तरह से भगवान हमें तपस्या करने का आदेश देने के लिए आए हैं, तो साथ साथ में ये भी दिखा रहे हैं कि हमारी किसी भी अवरोध होने पर तपस्या खंडित नहीं होनी चाहिए। तपस्या का मतलब होता है नियमित रूप से होनी चाहिए। कभी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए कि हमारा जप खंडित हो, कभी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए कि हमारी मंगल आरती खंडित हो, कभी ऐसा दिन ना हो कि हम भागवतम श्रवण ना करें। ये हमें ऐसी रूटीन बनानी है अपनी। श्री प्रभुपाद जी यहाँ तक कहते हैं कि ये 16 माला, एटलीस्ट 16 माला इतना आवश्यक है कि कभी ऐसा आप अगर नहीं करते हो तो ना तुम्हें खाना चाहिए ना तुम्हें सोना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास खाने और सोने का समय है, इसलिए इसका मतलब ये है कि आप जप कर सकते हो। आपको जप के ही कैसे भी करके समय निकालना है अपने। एक बाकी जो नियम में है वो कभी कभी अगर खंडित हो जाते हैं तो भी हमें जप जो है वो हमें अपना कंटिन्यू करना है। कभी भी उसमें ना ऐसे नहीं सोचना है कि हमारा जप कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी ओके ओके नहीं होता है। ये हमारी साधना है, सबसे बेस्ट साधना है हमारी भगवत प्राप्ति के लिए। और ये जीवन मिला है, मनुष्य जीवन जो है वो कठोर तपस्या के लिए मिला है। और अगर देखा जाए तो आज के जीवन में ये सबसे बड़ी कठिन तपस्या है कि हम साधना करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए और भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं। कथा श्रवण करने से क्या होता है कि उन हमें सब ये पता होता है, आप सबको पता है ना कि हमें मंगल आरती करनी, आप सबको पता है जप करना, आप सबको पता है एकादशी का उपवास रखना। लेकिन कथा श्रवण करने से क्या होता है, उसको बूस्ट मिलता है, ऐसे पावर मिल रहा होता है वो कार्य करने की, और हमारे लिए हृदय में उत्कंठा उत्पन्न होती है। इसी भगवान श्री कृष्ण ऐसे ऐसे उपदेश देते हैं, श्री प्रभुपाद जी हमें बार बार बताते हैं। तो आज हमने भगवान नर नारायण के विषय में पढ़ा जो कि दृढ़ ब्रह्मचारी व्रत का उपदेश देकर तपस्यामय जीवन जीवन गुजारने की विधि बताने के लिए कि किस प्रकार आपको दृढ़ ब्रह्मचर्य बनकर उसका व्रत रखना है, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और जो जो पर्टिकुलर विधि बताई गई है कि भाई इस समय आपको सिर्फ स्त्री संग करना है, उसी के अनुसार जीवन बिताना है। कि ब्रह्मचर्य में हमें ना स्त्री संघ से बिल्कुल मना किया गया है कि बिल्कुल भी नहीं करना है। स्त्री संघ का मतलब होता है अवैध संघ, स्त्री को पुरुष का संघ, पुरुष को स्त्री का संघ, बिल्कुल भी वर्जित है ब्रह्मचर्य अवस्था में। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में भी जिस पत्नी के साथ हमारा विवाह होता है वह एक पत्नी ही हमारे लिए स्त्री है, बाकी सब क्या है, माता है और बहन है। मतलब उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता है, कोई मित्रता नहीं हो सकती है, फ्रेंडशिप नहीं है हमारे इस जो वर्णाश्रम धर्म में है ना, उसमें गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तो कोई स्थान कोई भी नहीं है। हम यदि किसी से बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, कृष्ण से केंद्रित। अगर हमारा सीनियर है तो उसको सिखाना है, सॉरी अगर सीनियर है तो उसे बात कर रहे हैं इसलिए कि हमको कुछ सीखना है, और अगर जूनियर है तो फिर किसी बात कर रहे हैं कि हमें उनसे सीखना है। बस ये जीवन हमें मिला है कृष्ण प्राप्ति के लिए, इंजॉय इस जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो फिर जो मखसूस अवधि है कि भाई गृहस्थ जीवन 25 से लेकर 50 वर्ष की आयु में हम गुजार सकते हैं स्त्री संग, ये भी किसके लिए पता है, जो ब्रह्मचर्य को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य नहीं बना सकते। यानी वैसे तो क्या है कि ये स्त्री संघ जो है वो इतना ज्यादा आवश्यक नहीं है। शास्त्र तो यहाँ तक बताता है कि ब्रह्मचर्य यानी पहले 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, लेकिन फिर यवन होने के बाद यदि आप ऐसा लगता है कि हम विवाह करना है जरूरी है तो फिर करना है, वरना तो फिर डायरेक्ट से संन्यास लेना है। ये गृहस्थ और वानप्रस्थ तो बिल्कुल उसके अंदर इतना आवश्यक नहीं है, लेकिन अब क्योंकि ये मॉडर्न सोसाइटी है उसमें हमें ना नीट पड़ती है कि हम कैसे अकेले जीना मुश्किल लगता है, अकेले जिएंगे किस तरह से, भक्ति में भी मुश्किल लगता है कि भाई कौन पक्का के देगा और कौन ग्रह संभालेगा, उसी में मेरा समय जाया हो जाएगा। तो फिर हम वो विवाह के लिए रखते हैं वो एक
ये सिर्फ एक चॉइस ही है कि आप कर सकते हो, लेकिन फिर वापस से जब 50 साल पूरे होने के बाद हमें फिर से स्त्री संघ को छोड़ना है, ये बड़ी कठिन तपस्या है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके हमें भगवान को प्राप्त, वास्तव में हमें ये भक्ति है ना, ये दिखने में ऐसा लगता है ये कठिन है, लेकिन ये छोटी सी विधि है जिसकी बदली में हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। बहुत ही बहुत एक्सपेंसिव चीज है ही कुछ नहीं, ये छोटा सा जीवन है, क्षण भंगुर जीवन है, उसको यदि हम भगवान के लिए तपस्या करके हम भगवान को डेडिकेट करते हैं तो उसकी बदली में हमें क्या मिलने वाला है, साक्षात कृष्ण, साक्षात श्री मिलने वाला है, सब कुछ, धन, सौंदर्य और बल, हर वो चीज जो कृष्ण जो संसार में हमें आकर्षित करती है, वो एक बूंद है और कृष्ण उसका समुद्र है, वो पूरा समुद्र मिलने वाला है। तो उसके लिए थोड़ी सी तपस्या, जैसे संसार में भी किसी को सीए करना होता है तो फिर उसके लिए क्या करना होता है, बहुत तपस्या करनी होती है ना, बहुत सारी चीजों का त्याग करना होता है। मेरी एक फ्रेंड है, वो बोली मेरा भाई है ना सीए करता कर रहा है, लेकिन ना वो किधर भी पार्टीज में नहीं आता, मतलब किसी ने नहीं देखा उसको, इतने टाइम से खाली पढ़ ही रहा है, ना कोई शादी के प्रोग्राम में आता है, ना कोई और जगह पे, बस बोला उसको इतना स्टडी करना होता है सुबह से लेकर रात तक, स्टडी 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 स्टडी। वो तो क्यों, क्योंकि आखिर में उसको अचीवमेंट जो है वो उसको हाई लग रही है, उसके लिए कठिन तपस्या कर रहा है। लेकिन ये भौतिक अचीवमेंट जो भी यहाँ पर संसार में हमें मुश्किल तपस्या के बाद जो भी प्राप्त होने वाला, वो कितना क्षणिक है। इतनी कठिन तपस्या करने के बाद 25-30 साल के बाद जब वो उसको प्राप्त भी हो जाएगा तो भी हमारी आयु कितनी रह जाएगी उसको भोगने के लिए। लेकिन यह जो कृष्ण प्राप्ति के लिए थोड़ी सी तपस्या की जाती है, उसके बाद में तो ना नित्य सुख है, नित्य आनंद है जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो फिर ऐसे, लेकिन कहा जाता है कि सिर्फ ये भगवत धर्म का पालन केवल कौमार आचरित प्राज्ञों, ये जो केवल बुद्धिमान लोगों के लिए है। बुद्धिमान का मतलब होता है जो ये जान जाते हैं कि इस भौतिक जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलेगा, सुख के लिए हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना पड़ेगा और उसके लिए जरूरी है कि हमें स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। इसीलिए अभी हमने पहले पढ़ा कि भगवान ने संत कुमार, संत सनंत सनातन और सनक कुमार, ये चार कुमार का अवतार लिया, क्यों, ताकि वो भगवत भक्ति के लिए ग्रंथ उन्होंने बनाए और उन्होंने क्या बनाया था, भक्ति का उपदेश दिया था सबको, भक्ति का उपदेश दिया, सबसे पहले भागवतम का उपदेश किया, उसके बाद नारद मुनि का अवतार हुआ, नारद मुनि ने भक्ति उपदेश दिया कि किस तरह से विग्रह सेवा करनी है, किस तरह से आपको ना अपने पूरी दिनचर्या को किस तरह से बिताना है, किस तरह से भगवान की सेवा करनी है, दीक्षा पद्धति, विग्रह सेवा, विग्रह स्थापना, उसके विषय में उन्होंने सारा ज्ञान दिया, भक्ति कैसे करनी है आपको। और आज ऋषभ देव का अवतार हुआ है, उन्होंने हमें ये बताया कि किस तरह से तपस्या करनी है, ये भगवान के आने का और ये सारे आदेश देने का केवल एकमात्र उद्देश्य ये है कि भुलक्कड़ जीव को ये याद दिलाया जाए कि इस संसार में आपको सुख नहीं मिलेगा, उसके लिए आप यहाँ पर खाली प्रयत्न करो। ये जो मनुष्य जीवन है वो सिर्फ आपको ये परिश्रम करने के लिए मिला है कि मैं कैसे कृष्ण प्राप्त, और ये परिश्रम करता रहता है, परिश्रम करता है सुख भोगने के लिए केवल इस जन्म, इस दुनिया में रहकर। लेकिन वास्तविक परिश्रम तो हमें भौतिक दुनिया में नहीं बल्कि आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करने के लिए करना है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 15.2 में, न रूपमत्सेह तथोपलभ्यते न अंतो न चादे न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरोधमूलं असंगशस्त्रेण दृढे न चित्वा। कि अब इस संसार में आ गए हो तो ये जान लो कि यह संसार आध्यात्मिक वृक्ष की केवल प्रतिबिंब है, केवल छाया मात्र है। तो क्या करो कि इस अश्वत्थ वृक्ष की दृढ़ जो इसकी जड़े हैं उनको काटो, किससे, असंग शस्त्रेण दृढ़े न चित्वा, असंग के शस्त्र से, यानी कि डिटैचमेंट के हथियार से, कि किसी के अंदर कोई आसक्ति नहीं रखनी है। और उसके बाद क्या करना है, संसार में किसी के साथ आसक्ति नहीं रखनी, उसके बाद क्या करना है, परम तत् परिमार्जितव्यम्
यस्मिन् गताना निवर्तन्ति भूयः। और उसके बाद आपको एक ऐसे स्थान की खोज करनी है यस्मिन् गताना निवर्तन्ति भूयः, जहाँ जाकर वापस इस भौतिक दुखमय संसार में आना ना पड़े। और भगवान कहते हैं न तथा सते वासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत्कत्वान निवर्तन्ति तत्थाम परमं मम। कि जो संसार के जितने भी आकर्षण आपको दिख रहे हैं ये सब भौतिक है, और यहाँ पर कदम कदम यह त्रिपदा सर्वत्र दुखम पश्यत, आपको कंटिन्यू दुखी दिखेंगे। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर जाने के बाद कोई दुख नहीं है, कोई संकट नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो जगह ऐसी है तद धाम परमम मम, वो मेरा धाम है। और यह कृत्वा ना निवर्तन्ति, वहाँ जाकर तुम्हें कभी वापस नहीं आना पड़ेगा। तो उस जगह की खोज करो, इस संसार में ये तुम्हें अच्छा मौका मिला है, एकदम सुपर चांस है। और अभी तो कार्तिक मास चल रहा है, इसमें यदि हम नियम का पालन करते एक महीने में सारे जीवन का प्रभाव होता है। एक मंगल आरती पूरे एक ये पूरा एक महीना अगर हम करेंगे ना, तो समझो हमारे पूरे जीवन का अखंड व्रत अगर हम लेते हैं ना, कि इसमें हम कभी भी मंगल आरती मिस नहीं करेंगे, कभी भी अपना जप मिस नहीं करेंगे, कभी भी दीप पूजा मिस नहीं करेंगे, इसमें यदि हम तपस्या कर लें ना तो भी बहुत बड़ी बात है। तो कृपया हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, मेरे लिए स्पेशली प्रार्थना करना है, बहुत ज्यादा तामसी गुण है मेरे अंदर। और आप सब कृपा है, आप सबको आशीर्वाद है, इसके कारण मैं भागवतम आप सबको सुना पा रही हूँ। मेरे लिए सदैव प्रार्थना करना, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी कि हम इस जीवन में ही अपने परम लक्ष्य यानी कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।